हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे प्लांटर विद वेस्ट कंटेनर्स। जो भी हमारे घर में वेस्ट कंटेनर्स होते हैं उसको यूज़ करके हम ये प्लांटर्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये फर्स्ट DIY प्लांटर बनाने के लिए मैंने लिया है ये वेस्ट कंटेनर और इसके ऊपर मैंने जैसो अप्लाई कर लिया है। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसो को यहाँ पे डैबर की हेल्प से पेंट कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर ब्रश मार्क्स ना आए। जैसा कि आपने देखा, मैंने ब्रश से ही पेंट करना स्टार्ट किया था बट उससे ब्रश मार्क्स आ रहे थे, इसलिए मैंने डैबर का यूज़ किया है। अब ये जैसो हमारा सूख चुका है अच्छे से। उस जैसो सूखने के बाद ही हम सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। जो भी आप इसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके पसंद का कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने येलो कलर लिया है और मैं इसको कलर कर लूँगी येलो कलर से। मैंने यहाँ पे दो कोट अप्लाई किए हैं। तो ये जब कलर सूख जाए अच्छे से उसके बाद ही हम इसके ऊपर फेस ड्रॉ करेंगे। मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है ताकि इसे कोई भी बना सके। तो अब मैं इसके ऊपर परमानेंट मार्कर लेके फेस ड्रॉ कर लूँगी। मैं ये आइज़ और नोज़ और इसके बाकी के फीचर्स ड्रॉ कर लूँगी। अब ये इसका फेस ड्रॉ हो चुका है और कुछ फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे फेविक्रिल की एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे इसकी आईज़ और आईलैशेस और नोज़ को क्ले से बनाऊंगी। तो जो मैं क्ले लगा रही हूँ उसको हम इसके ऊपर चिपका लेंगे और इस चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि थोड़े से फीचर्स मैं हाईलाइट करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे क्ले का यूज़ कर रही हूँ और इससे थोड़ा सा इसका लुक भी और अच्छा लगेगा क्ले लगाने से। तो इस तरह से छोटी छोटी सी डिटेल ऐड करने से हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बन जाती हैं और थोड़ी डिफरेंट लगती हैं। तो इस तरह से हम अपने घर पर पड़े ट्रैश को ट्रेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने फ्री टाइम को भी एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से बातों बातों में ही हमारा क्ले वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइट कलर से स्टार्ट करूँगी और जहाँ जहाँ पे मुझे वाइट कलर चाहिए वहाँ वहाँ हम वाइट कलर अप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो जो आपके पास अवेलेबल कलर हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी टंग में मैं पिंक कलर अप्लाई करूँगी और फिर उसके बाद आईज़ की इनर सर्कल में मैं ब्लू कलर से कलर करूँगी। यहाँ पे इसे पेंट करने के लिए राउंड ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे 4 नंबर ब्रश का यूज़ किया है। अब जो यहाँ पे ये मैंने स्माइली बनाया है इसके माउथ को मैं ब्लैक कलर से फिल कर दूँगी ताकि ये एकदम ऐसा लगे कि ये स्माइल कर रहा है। और फिर जहाँ जहाँ मैंने क्ले लगाई थी वहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर लूँगी और मैं इसको ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग भी दे दूँगी। और इसको कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे इस पर थोड़ा सा ये जूट रोप भी ऐड किया है। मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ जैसा कि आप इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लास्ट में इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करना ना भूलें। वार्निश अप्लाई करने से हमारा DIY लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट DIY प्लांटर रेडी है ना। ये एकदम इजी पीजी सा DIY आइडिया और बनने के बाद ये तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्लांटर आइडिया। सेकंड प्लांटर के लिए ये मैंने एक टिन का पॉट लिया है। ये मुझे किसी गिफ्ट पैकिंग में मिला था तो मैंने इसे प्लांटर बनाने के लिए रख लिया था। तो मैं इसमें भी कुछ डिफरेंट टेक्निक से प्लांटर बनाऊँगी। तो मैंने ये कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में और शेप्स में कट कर लिया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैंने पहले से ही इसका बेस रेडी कर लिया था और इस पर जैसे अप्लाई कर दिया था। आप जैसो या वाइट एक्रेलिक कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो भी कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए थे उनको मैं इस कंटेनर पर स्टिक कर दूंगी फेविकॉल की हेल्प से। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी साइज़ या शेप में कट करके इनको इसके ऊपर अपने हिसाब से
चिपका सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर सारे पीसेस स्टिक कर दिए हैं। अब मैं कार्डबोर्ड के पीसेस चिपकाने के बाद इसके ऊपर टिश्यू पेपर चिपकाऊंगी और इसको टिश्यू पेपर से कवर कर दूंगी। ऐसा करने से जो भी कार्डबोर्ड के एजेस हैं वो सारे सिक्योर हो जाएंगे और नीट लगेंगे और ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ऊपर से कुछ अलग से इसके ऊपर पेस्ट किया है। तो देखिए मैंने इसको कुछ इस तरह से पूरा टिश्यू पेपर से कवर कर दिया है। अब हम इसको ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद मैं एक लेयर इसके ऊपर एक्रिलिक वॉल पुट्टी की लगाऊंगी और मैं बिल्कुल पतली सी लेयर लगाऊंगी, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाऊंगी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और ऐसा नहीं लगे कि कोई कार्डबोर्ड लगाया हुआ है। और हाँ, आप कार्डबोर्ड की जगह एयर ड्राई क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो आप एयर ड्राई क्ले से भी ये शेप्स बना के चिपका सकते हैं। अब जब ये ड्राई हो जाए तो मैं इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ करते हुए इन सारे हाउसेस को मैं पेंट कर दूंगी और जिससे कि हमारा एक कलरफुल सा प्लांटर रेडी हो जाए। तो देखिए मैंने सारे हाउसेस को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पेंट कर दिया है और ये अभी से ही काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। अब मैं इसके बाद जो इसका ऊपर वाला खाली स्पेस है उसको मैं स्काई कलर से पेंट करूंगी, थोड़ा शेडिंग देते हुए, और उसको पेंट कर दूंगी। और इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी सी छोटी मोटी डिटेलिंग ऐड करके इसको कंप्लीट कर दूंगी। इसी तरह से मैंने इसको अब पूरा पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद मैंने एक कोट वार्निश का अप्लाई किया है, उससे हमारा जो भी DIY है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और काफ़ी वाइब्रेंट दिखता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेकेंड DIY भी बनके रेडी है। तो अगर आपको आज के ये प्लांटर आइडियाज़ पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।